अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सर रहमान और यहाँ पर हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने शेविंग मशीन मंगाई सी थी यहाँ पर दराज से, तो वो आ चुकी है विंटेज T9। तो देखते हैं किस तरह की है परफॉर्मेंस और अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। यहाँ पर पैकिंग तो कुछ ख़ास नहीं की हुई यहाँ पर, तो ये आ गई हमारी मशीन। और ये क्या लिखा हुआ है, रिव्यू द प्रोडक्ट, वो तो हम ज़रूर करेंगे। और ये आ गया इसका बॉक्स, और बॉक्स की हालत देख सकते हो, पैकेजिंग बहुत ही फजूल घटिया किस्म की हुई है। तो मशीन बाहर निकाल लेते हैं। और ये मशीन मुझे शिप करवाने में तकरीबन यहाँ पर 680 रुपये में पड़ती है ये शेविंग मशीन मुझे शिपमेंट के बाद। और ये आगे इसकी ये एक ओम सी होती हैं कंघियाँ बाल छोटा बड़ा काटने के लिए। और ये ऑयल आ गया इसका, और ये आ गई गाइड बुक इसकी, सिंपल एक पेज ही है। और इसके अलावा ये आ गई इसका यहाँ पर ब्रश साफ़ करने के लिए। और फाइनल में यहाँ पर ये आ गई हमारी मशीन, तो इसे भी चेक करते हैं। और बस बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। शिपमेंट के लिए जो पैकेजिंग थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बॉक्स का बुरा हाल था, और सिंपल ये एक रैप था दराज वाला। तो ये चार डिफरेंट टाइप की यहाँ पर कंघी मिल रही है, 1.5 mm से लेके यहाँ पर 4 mm तक, 3 mm है, 2 mm है और 4 mm है। तो जिस तरह के बाल आपने काटने हैं, ये छोटी सी केबल दी है फजूल सी, इससे अच्छा था कि ना देते, क्योंकि इतनी छोटी केबल के साथ चार्ज करना बहुत मुश्किल काम है। मोबाइल का जो चार्जर होता है घर में वही हमने यूज़ करना है। और यहाँ पर बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है वे ये देख सकते हो, ये मुझे लगता है लूज़ हो गया यहाँ पे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे पेच के साथ अलग से इसे टाइट करना पड़ेगा। ये तो सारा ये देखो, दराज से चीज़ें मंगवाने का ये बहुत नुकसान है। तो स्क्रूज़ इसके टाइट कर लिए मैंने, अभी ठीक है। और ये है हमारी मशीन विंटेज T9, और यहाँ पर मेटल बॉडी में है। यहाँ पर USB चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाती है, साथ में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है। तो चलिए इसे चला के देख लेते हैं। तो स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी, बाकी शेविंग मेरी काफ़ी बड़ी हुई है, तो मैं यूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पर इसका रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ पर मशीन जो है वो मैंने यूज़ की है, और दाढ़ी के मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लेड इसके इतने शार्प हैं कि एक ही बार में सब रिमूव कर रहा था ये। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट यूज़ किया, पूरी शेव कर दी इसने, और उसके बाद ये बंद होने लग गई थी। और चार्जिंग पे लगाया तो यहाँ पर पहले रेड लाइट थी, और 5-7 मिनट बाद यहाँ पर ये ग्रीन लाइट हो चुकी है। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये इतनी जल्दी चार्ज कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको अडाप्टर दिखा देता हूँ, इसी मोबाइल का मेरा अडाप्टर है ये, 5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर या फिर 7.5 वोल्ट पर जो है वो 2.4 एम्पेयर देता है 18 वाट का। और चार्जिंग के दौरान भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ब्लेड इसके काफ़ी ज़्यादा शार्प है, शेव के बाद जो है मैं जलन महसूस कर सकता हूँ चेहरे पे, तो थोड़ी हिसाब से इसे यूज़ करना पड़ता है। ऑयलिंग भी इसकी कर दी है मैंने, यहाँ पर इसके ब्लेड्स पर ऑयल लगा दिया है। और ये चार्जिंग पे लगी हुई है, और साथ में जो है चल भी रही है। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम वैसे इसका लिखा हुआ है
यहाँ पर जो इसका साथ में ये एक नोट सा मिला था मुझे, चार्जिंग टाइम 2 आवर, यूज़ टाइम 2 आवर। तो बैटरी जो है वो यहाँ पर, यहाँ से इसे ओपन करके मेरे ख्याल में इसके अंदर यहाँ पर कहीं पर बैटरी होगी। तो अगर आपको बैकअप कम भी दे तो आप मार्केट से ला के मतलब इसे रिप्लेस कर सकते हो और अच्छा बैकअप आपको फिर मिल जाएगा। तो शेविंग जो है, मेरे शेव के बाल काफ़ी मोटे थे, तो लेकिन इसने फिर भी बहुत अच्छे से एक ही बार में मतलब शेव किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे इस तरह मिला है इससे। लेकिन यहाँ पर जलन हो रही है मेरे चेहरे पर थोड़ी सी। इसके अलावा ये है मेरी मशीन जो है वो डिंगलिंग की है, RF608। तो ये बहुत अच्छा मतलब ये भी चली है मेरे पास, 2017 में मैंने ली थी ये, और तब से इसे यूज़ कर रहा हूँ। सेल भी चेंज नहीं करना पड़ा मुझे, बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, और इसके ब्लेड जो हैं वो तेज़ तो हैं ही, लेकिन मतलब इन्हें यूज़ करने में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई कट लग जाएगा, कोई जलन होगी। मतलब आप इससे जैसे मर्जी मतलब शेव कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। इसके ब्लेड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया ऐसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी ठीक है, चल रही है, बैकअप भी काफ़ी अच्छा देती है, घंटे से ऊपर तकरीबन ये चल जाती है। लेकिन चार्जिंग के लिए इसे तकरीबन जो है वो 8-10 घंटे लगाना पड़ता है, लेकिन मतलब है। तो यहाँ पर द्रास पे सेल चल रही थी, उसमें मैंने इसे ऑर्डर किया था, ये मुझे 580 रुपये में तकरीबन पड़ी है, और शिपिंग चार्जेस अगर 100 रुपये ऐड कर दिए जाएँ, 99 रुपीज़ ऐड कर दिए जाएँ, तो 680 में तकरीबन पड़ती है मुझे ये। लेकिन ब्लेड्स काफ़ी शार्प हैं इसके, और एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ये जो स्क्रूज़ जो हैं वो इसके काफ़ी ढीले हुए थे, यहाँ पर ये अच्छी तरह से मतलब आगे पीछे हिल रहा था। ये चीज़ एक तो अच्छी नहीं थी, दूसरा इसकी पैकेजिंग जो थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो बॉक्स का हाल यहाँ पर आप देख सकते हो, तो शिपमेंट के दौरान ये चीज़ आपकी मशीन को जो है वो डैमेज कर सकती है। यहाँ पर बबल रैप कम से कम होना चाहिए था इसके ऊपर, तो चार्जिंग पर लगा कर भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी तेज़ शार्प ब्लेड हैं और अच्छी चलती है। तो ये थी हमारी विंटेज T9 शेविंग मशीन की अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।